वैसे तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां जब से कॉलोनी बसाई गई है तब से ना तो कोई गलियां बनाई गई हैं और ना ही विकास कार्य हो पाए हैं। किसी भी प्रकार की नालियां भी नहीं देखने को मिलती। हम बात कर रहे हैं बल्लभगढ़ स्थित हरिविहार कॉलोनी की। यहाँ के लोग भी मजबूरी में जीवन काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 30 साल में कई निगम पार्षद और विधायक आए और गए, लेकिन उनकी समस्या ऐसी की ऐसे ही बनी हुई है। लोगों का ये भी कहना है कि पूर्व विधायक शारदा राठौड़ भी यहाँ से जीत कर गई हैं, लेकिन उन्होंने भी इस इलाके में कुछ नहीं करवाया। लोगों में वार्ड के पार्षद राकेश गुर्जर के खिलाफ भारी रोष है और आगामी चुनाव में उन्हें मजा चिखाने की बात भी कही है। या मैं तो भैया, ये 40 नंबर वार्ड है, हरी विहार बोलते हैं इसको, गली नंबर है 6 मलेरना रोड। इसमें सारी समस्या ही समस्या है, इसकी समस्या किसी ने सुनी ही ना। हमने कम से कम 10 बार तो यहाँ में जो विधायक खुद बुला लिया, और कम से कम 50 बार विधायक के यहाँ चले गए 5 साल में, समझे। जब भी गए जब ही नहीं कह दी क्योंकि अब की साल निकल लो बस पानी में कर कीचड़ में कर, अगले साल में बनवा दूंगा मैं। हमें तो 5 साल हो गए भैया विधायक के चक्कर काटते काटते, आज तक तो हमारी किसी ने सुनी ना। कौन है विधायक साहब यहाँ से? मूलचंद शर्मा। आते होंगे यहाँ? आते हैं। हाँ आते हैं, कितनी आते बार आए हैं, हमने खुद बुलवाए हैं, खर्चा करके गली में खुद बुलवाए हैं 3-4-5 बार। का नाम हुआ को वोट मांगने आएंगे इस बार? वोट मांगने तो पहले भी आए, हमने तो इतना बड़ा स्वागत समारोह किया था जब शुरू में वो इलेक्शन में खड़े हुए थे इस मैदान में, लाखों रुपया हमने खर्च किया था उनके उसमें स्वागत समारोह में, खाने पीने का सब इंतजाम किया था और उन्हें वोट दिलवाए थे पूरी पब्लिक से। जी सड़कें आपकी हैं, गली कब से नहीं बनी हुई है? ये तो भैया 30 साल हो गए जो यहाँ रहने वालों को, जब से ऐसी हैं आज तक बनी नहीं है ना। यहाँ पीने का पानी है, गरीब लोग मलेरना से साहूपुरा से पानी भर भर के लामे, गरीब लोग साइकिलों पर सिरों पर रख के, पीने का पानी तक यहाँ नहीं है ना। आज तक पीने के पानी की पाइपलाइन है ना, यहाँ सीवर लाइन है ना, यहाँ सड़क है। बिजली का भी सुधार अब हुआ, जब हम एक्शन के वहाँ तक चक्कर काट के आए हैं फरीदाबाद तक, कई बार एप्लीकेशन लगाई हैं SDO के यहाँ एक्शन के यहाँ, तब बिजली के खंभे वगैरह गढ़े हैं, तब ये लाइन खींची है दोबारा से। अन्य तो बिजली की लाइन भी करीब 40-50 साल पुरानी खेतों की लाइन थी, वो रोज़ टूट जाती थी गलगल के तार, और 3-3 दिन ठीक ना हो एक रही बिजली। निगम पार्षद के पास गए कभी कंप्लेंट लेके? हाँ कितने ही बार गए हैं, जो हम 85 बार हम विधायक के पास जा लिए तो निगम पार्षद के यहाँ क्यों नहीं जाते? क्या कहते हैं निगम पार्षद? कह रहे हैं हाँ जी अब के बनवा देंगे, तुम्हारी गली जरूर बनवाएंगे, क्योंकि और कहीं बने ना बने काम होना। मैंने कोई करता नहीं और हाँ करने में कमी नहीं और काम करवाता नहीं कोई भी। समस्या तो मतलब लिख के भी नहीं दे सकते कितनी समस्या है। विधायक तो पूरी कोशिश करता है लेकिन हमारा पार्षद हमारे काम को नहीं होने देता। वार्ड नंबर 40 का पार्षद राकेश गुर्जर है, मतलब उन्होंने विधायक जी ने हमारे यहाँ सीवर लाइन वो भेजे जी, विधायक जी ने हमारे यहाँ सीवर के लिए वो भेजे, लेकिन राकेश गुर्जर ने वो उठवा दिया जी, हमारे डले नहीं दिया जी। और समस्याएं तो इतनी हैं, अत्यंत समस्याएं हैं। कब से देख रहे हैं आप इसे? जो कुछ 20 साल तो रहते होंगे जी, हमने सब बुला लिए जी, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा जो हमने बुलाया ना हो। अच्छा जब से कॉलोनी बसी तब से रोड ही नहीं बने? रोड यहाँ रोड़ा नगर मट्टी ना करवा सकते, मतलब हमने अपनी मट्टी करवा के अपने मकान ऊंचा कर वैसे वो कर लिए नीचे गड्ढे में 5-5-6-6 फुट तो हमने मिट्टी गिरवा दी। जाते ही निगम पार्षद राकेश गुर्जर के पास जाते हैं, आप क्या कहते हैं? वो तो सब छोरा दे जी। अच्छा दे ही ना कही बस समझ लो, अब तुमने कहते कल बन जाएगी, वो अभी कहते कल बन जाएगी। यहाँ पे सबसे मेन समस्या है गलियों की, यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं छोटे छोटे डेली रिपोर्ट हैं, बारिश के टाइम में तो बिल्कुल रास्ता नहीं होता निकलने के लिए, इनके लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पार्षदों से बोल दिया, सभी से बोल दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। बारिश के समय तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल, आप भी देख रहे हो, लाइव देख सकते हो आप, बहुत काफ़ी दिक्कतें आती हैं उसके लिए। जाते हो कंप्लेंट लेके पार्षद के पास? कंप्लेंट दी हुई हैं, पार्षद को कंप्लेंट दी हुई हैं, विधायक जी ने कंप्लेंट दी है, वो कहते हैं कराएंगे अभी कराएंगे, एक सीजन और रुक जाओ, एक सीजन रुक जाओ, ये चलता रहता है। क्या नाम है पार्षद का आपने? यहाँ राकेश गुर्जर। क्या कहता है? वो कहता है जी हमने आगे रिपोर्ट दी हुई है, हम कराएंगे अभी धीरे धीरे, ये चल रहा है पिछले 2-3 सालों से।
दिक्कत क्या है जी, बनी ना रहे ना, बार बार जाते हैं कोई सुनता ही नहीं है। कहते हैं हाँ बनेंगे, अगले महीने बनवा देते हैं, 15 दिन बनवा देते, आज तक तो बनी नहीं है। मच्छरों की मारे यहाँ, पानी की निकासी यहाँ नहीं, बीमारियाँ यहाँ फैली पड़ी हैं। कोई सगर ऐसा नहीं है जिसमें 2, 1, 3, 4 नहीं बीमार हों। पीने तक का पानी नहीं, पानी पीने तक का नहीं, पाइपलाइन पड़ गई उसमें आज तक पानी नहीं आया। अच्छा, आप क्या पार्षद को उसका कंप्लेंट लेके जाते हैं तो क्या कहता है? हाँ जी, करवाएंगे काम, फाइल लगा रखी है राकेश उजर, क्या कहते हैं, फाइल लगा रखी है जी, करवाएंगे काम, 15 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, अब तक तो लौट के आए नहीं है। वोट मांगने तो आते होंगे? वोट मांगने आए थे तो वोट मिले थे, अब आएंगे जब पूछेंगे। इससे कॉलोनी वासी सब बताई दिए हैं जो भी कुछ हो रहा है, रोड आज तक बना नहीं है कभी भी, इसमें कोई मिट्टी नहीं, मलबा नहीं, कुछ कुछ डालते नहीं है लोग। खूब पास में घूम लिए उनके जाकर के, कभी उन्होंने सुना नहीं, यही बोल देते हैं हर इस बारिश को रुक जाओ, अगली बारिश में बना देंगे। 5 साल तो ऐसे ही निकल गई इसकी, पानी की लाइन पड़ी हुई है, पानी आज तक आता नहीं, इसमें कोई देख रेख नहीं। निगम पार्षद का नाम क्या कहता है? पार्षद राकेश गुजर, बस हाँ कर देता, बाद में कोई काम नहीं होता है। हाँ, और जो कुछ इन्होंने बताना था कॉलोनी वासी सब बता दिए, एक ही समस्या सबके, सीवर लाइन के पाइप यहाँ से उठ गए, सब आगे पड़ गए थे, दोबारा कोई नंबर ही नहीं आया, किसी ने बता, किसी ने, वो झूठ बोलते हैं जन पब्लिक, झूठ बोलती है कि हमको रोक दिया, अब ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ दोबारा काम शुरू हुआ नहीं, और 1 साल से ज़्यादा हो गए इसमें सिविल लाइन पड़े हुए, और सभी के तुरंत काम हुए। हमें भैया यहाँ कम से कम 30-33 साल है यहाँ रहते रहते, लेकिन हमने यहाँ कोई सुविधा नहीं देखी है। जो भी कोई आता है वो नए नए बहाने करके चला जाता है। एक बिजली का साधन है यहाँ, वो भी 24 घंटे तक काट देते हैं, बच्चे नेक नेक से फरफर आते रहते हैं गर्मी के मार, बताओ ये यहाँ क्या साधन है? गवर्नमेंट का कोई साधन है नहीं, कुछ नहीं, पानी है वो नहीं, यहाँ प्यासे मरते हैं है? ये कुछ नहीं है, पर यहाँ नहीं देखो कितनी कितनी कीच, हम बाल बुढ़े आदमी पर तो बिगड़ा भी नहीं जाता है यहाँ, है हम बुढ़े आदमी कहीं किसी डॉक्टर पर भी नहीं जा सकते हैं। नेता आते हैं वोट मांगने? खूब आते हैं नेता यहाँ, एक से एक आता है यहाँ, मेरे नेता आए थे, ये आयो राकेश गुंजर आया हुआ, और ये सैनी आया हो, खूब सात राठौर तो 10 साल है गई यहाँ आते आते, और खूब सोने के चांदी के मुकुट लगाए हुआ कि चांद पे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है यहाँ हमारे लिए। अब आप लोग जो कुछ करना चाहें भैया तो करो, नहीं यहाँ कोई साधन नहीं है। आपको ये स्थिति तो दिख रही होगी, देखो रास्ता कितना गंदा है, और खूब यो ना आबादी भरी हुई है यहाँ, कोई यो तो है नहीं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे मच्छर खाते हैं।